एक मैं उनके एस्पिरेशंस को समझ पाता हूँ। जो पुरानी सोच है कि भाई वो घर में अपने पहले 5 थे तो अब 7 पे जाएगा, 7 फिर तो 9, ऐसा नहीं है। वो 5 पर से भी सीधा 100 पे जाना चाहता है। आज का यूथ हर क्षेत्र में वो बड़ा जंप लगाना चाहता है। हमें वो लॉन्चिंग पैड क्रिएट करने चाहिए ताकि हमारे यूथ के एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर सकें। इसलिए यूथ को समझना चाहिए। मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूँ और मैंने देखा है कि मुझे लाखों युवकों से ऐसी बात करने का मौका मिलता है जो परीक्षा पे चर्चा की चर्चा चल रही है लेकिन वो 10 साल के बाद की बात करता है मेरे साथ। मतलब वो उसका वो एक नई जनरेशन है। अगर सरकारें और सरकार की लीडरशिप इस नई जनरेशन के एस्पिरेशन को समझने में विफल गई तो बहुत बड़ी गैप हो जाएगी। आपने देखा होगा कोविड में मैं बड़ा चिंतित था कि मेरे ये फर्स्ट टाइम वोटर जो अभी है वो कोविड के समय तो 14-15 साल के थे, 16 साल के थे। अगर ये 4 दीवारों में फंसे रहेंगे तो इनका बचपन मर जाएगा, उनकी जिंदगी जवानी आएगी नहीं, वो बचपन से सीधे बुढ़ापे में चला जाएगा। ये गैप कौन भरेगा? तो मैं उसके लिए चिंतित था। मैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करता था, मैं उनको समझाता था कि आप ये करिए आप। और इसलिए हमने डेटा एकदम सस्ता कर दिया। उस समय मेरा डेटा सस्ता करने के पीछे जो लॉजिक था कि वो इजीली इंटरनेट का उपयोग करते हुए नई दुनिया की तरफ मुड़े, और वो हुआ, उसका हमें बेनिफिट हुआ है। भारत ने कोविड की मुसीबतों को अवसर में पलटने में बहुत बड़ा रोल किया है। और आज जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फिनटेक का जो रिवॉल्यूशन आया है, वो हमने आपत्ति को अवसर में पलटा उसके कारण आया है। तो मैं टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को समझता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहता हूँ।